हाय फ्रेंड्स, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। मतलब कि जो रूल्स और रेगुलेशन पिछले 4 साल से और 5 साल से चल रहे थे, तो उनको फाइनली अब फाइनल एक शेप दे दी गई है। और पेनल्टीज एंड क्या क्या हो सकता है आपके साथ अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी बता दिया गया है। कितना जुर्माना, कितनी सजा, कैसे क्या, सब कुछ। तो पूरी फाइनल रेगुलेशंस 2021 कल परसों रिलीज की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अप्रूव्ड। ये ड्राफ्ट नहीं है, एक्चुअल में लागू हो चुकी हैं। और आप नए इस पे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नई रेगुलेशंस के हिसाब से जुर्माना जो है 25,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस। किस तरह से क्या चीज का आप उल्लंघन करते हैं उसके हिसाब से आपको 25,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक डिफरेंट जुर्माने हैं। कैसे कैसे हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं 50,000 वाले जुर्माने की, ठीक है। 50,000 का जुर्माना तब होगा जब आप किसी ऐसी जगह पर ड्रोन उड़ा देते हैं, जैसे कि दिल्ली का विजय चौक हो गया या कोई और सेंसिटिव एरिया हो गया। तो उसके अगर आप आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में या उस जगह पर प्रॉपरली जाके ड्रोन उड़ा देते हैं, तब आपको सीधा सीधा 50,000 रुपया लग जाएगा। और कुछ नहीं देखा जाएगा, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है। सिंपली अगर आपने वहां जाके ड्रोन ऐसे एरियाज में लगा दिया, और ये सारे एरियाज DGCA की वेबसाइट के ऊपर है। आप चाहते हैं कि उन एरियाज का मैं फुल से वीडियो बनाऊं ताकि ईजी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। तो ये पहला है 50,000 रुपये का सीधा जुर्माना। उसके बाद आपको जुर्माना हो सकता है कि अगर आप 5 किलोमीटर के एरिया में किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इसके 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपने ड्रोन उड़ाया, तब भी आपको जुर्माना 50,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा जो लोकल अड्डे हैं, मतलब जो सिविल जिसको हम कहते हैं, और कोई प्राइवेट और डिफेंस एयरपोर्ट है, छोटा मोटा एयरपोर्ट है, उसके 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपने ड्रोन उड़ा दिया, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा लाइसेंस वगैरह के, सिर्फ ड्रोन उड़ाने पे इन जगहों पर ये जुर्माने कर दिए गए। मतलब अगर आपको ड्रोन उड़ाते हुए इधर पकड़ा गया, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो सीधा सीधा आपको 50,000 रुपये आपकी जेब से निकलेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए, पाकिस्तान और हमारा वाघा बॉर्डर हो गया पंजाब साइड में, तो इस तरह के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं, दो देशों के बीच में बॉर्डर एरियाज हैं, यहां से 25 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब पूरा उस जगह से लेके 25 किलोमीटर के अंदर अंदर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। अगर आपने वहां पर ड्रोन उड़ा दिया, फिर से 50,000 रुपये आपके गए। तो इन सब जगह पर मैंने आपको बताया किस तरह से आपको, अगर आपके पास लाइसेंस है या नहीं वो तो बात की बातें हैं, सीधा ड्रोन अगर आपने उड़ा दिया और आपको पकड़ लिया गया, तो ये आपके पास पैसे, आपको जुर्माना हो जाएगा। इसके अलावा जेल भी हो सकती है, राइट। अब नंबर 2 पॉइंट पे कि आप ड्रोन इंपोर्ट करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, आपको सीधे सीधे अप्रूवल DGCA से लेनी होगी। वो कैसे लेनी है अप्रूवल, इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप फिर से चाहते हैं एक अलग से वीडियो बने सिर्फ अप्रूवल का, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिना DGCA के अप्रूवल के, और DGCA अप्रूवल कब देगा, जब आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर होगा। मतलब कि सपोज आपने DGCA का ड्रोन इंपोर्ट करवाना है बेचने के लिए या अपने लिए, जैसे मर्जी, तब आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, इंडियन होने चाहिए आप, और जहां पर आप बिजनेस करेंगे वो इंडिया में साइट होनी चाहिए, प्रॉपर साइट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए और एयर वर्दीनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कौन देगा, वो DGCA से आपको लेना पड़ेगा। मैं DGCA का एग्जांपल दे रहा हूं, तो DGCA से आपको सीधे सीधे जाके सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, इनका मतलब क्या है, इनसे ये पता लगेगा कि जो ड्रोन आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं। कोई NPNT वाला जो फंडा है कि वो परमिशन देंगे तभी उड़ेगा, ये सब कुछ उसमें है या नहीं, वो सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर में मेंशन होता है। तो ये तो हो गया इंपोर्ट की बात। दूसरी बात, अगर जब आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर
देना होगा और उसमें सब कुछ सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हम इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से हमारा ड्रोन उड़ता है। ये जब होगा तब आपको अप्रूवल दी जाएगी, तभी आप लार्ज स्केल पे अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने दिया जाएगा, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने दिया जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है जो लागू हो गया है। इस अप्रूवल के बिना कोई भी ड्रोन बनाया गया, कोई भी ड्रोन इंपोर्ट किया गया, कोई भी ड्रोन खरीदा गया, इस अप्रूवल के बिना पांच लाख रुपए का जुर्माना है, 5 लाख रुपीज। जैसे अब सब कुछ चलता आ रहा था, सब रेगुलराइज हो गया, अब आपने कहीं से भी ऐसे ड्रोन बेचा या जो बेचने वाला है उसको सीधा सीधा 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा अगर उसके पास अप्रूवल डीजीसीए से नहीं है। बिना डीजीसीए के अप्रूवल से ना तो आप कोई ड्रोन बेच सकते हैं इंपोर्ट करके, ना ही आप अपना ड्रोन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बिना डीजीसीए के अप्रूवल। और वो अप्रूवल कब मिलेगी? जब आप सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर कंपनी से ले आएंगे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, या आप अगर खुद बना रहे हैं तो खुद सर्टिफाई करके देंगे और ये फिर डीजीसीए टेस्ट करेगा कि यस, कि जो ड्रोन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हमारी रेगुलेशन के हिसाब से चलता है या नहीं। अगर चलता है तो सब ठीक है, अगर नहीं चलता तो प्रॉब्लम है। और इस सब के बिना अगर आप जैसे अब आ रहे हैं, जैसे ड्रोन आ रहे हैं किसी न किसी तरह से, तो 5 लाख रुपए का सीधा सीधा जुर्माना है। नो पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड इंपोर्टर शैल इंपोर्ट एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। जिसके पास अप्रूवल नहीं है वो ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकता। अगर उसने वो ड्रोन इंपोर्ट किया तो 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया हुआ है। सिर्फ जिनके पास अप्रूवल है डीजीसीए की वही इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे अपने ड्रोन का शोरूम खोलना है तो मुझे डीजीआई से सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर लाना पड़ेगा, एयरवर्थीनेस का सर्टिफिकेट वहां से लाना पड़ेगा, वो जला के मुझे डीजीसीए को देना पड़ेगा, डीजीसीए उसको चेक करेगी। अगर उसमें वो मेंशन है कि डीजीआई का ड्रोन हमारे रेगुलेशन से मैच करता है तब वो हम मुझे अप्रूवल देंगे, वो अप्रूवल के बेसिस पे फिर मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ ड्रोन और फिर वो बिक सकते हैं। और फिर जब मैं वो ड्रोन बेचूंगा तो मैं भी एक कॉपी दूंगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर की कि ये ड्रोन हमारा अप्रूव्ड है, इसमें से ये लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर की कॉपी, ये लीजिए एयरवर्थीनेस की कॉपी, अब आप इसको लीगली उड़ा सकते हैं। अगर ये मैंने नहीं किया या किसी और जो ड्रोन बेच रहा है उसने ये नहीं लिया हुआ अप्रूवल, ये सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रहा है, तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि ना तो वो ड्रोन आप उड़ा पाएंगे लीगली और जिसने आपको बेचा वो भी फंसेगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको बात, तो काफी तामझाम है। तो ड्रोन मैन्युफैक्चर सॉरी ड्रोन शॉप खोलना इतना इजी नहीं है। लेट्स सी क्या होता है आगे, मैम आपके साथ हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, आप अपना सुझाव दे सकते हैं कैसे आगे चलेगा। तो ये था आपका ड्रोन बिजनेस से लेके फाइनल रेगुलेशंस। अब ये हो गया सारे, मैंने मैन्युफैक्चर की बात कर दी, बिजनेस की बात कर दी, अब दूसरी रेगुलेशंस पे आते हैं जो पहले से भी हुई थी कि 5 कैटेगरीज में आपका ड्रोन बांटा गया है, नैनो कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी, देन मीडियम एंड लार्ज। तो हमारे जो ड्रोन्स हैं मोस्टली किस में फॉल करते हैं? माइक्रो में, ठीक है, जितने भी आ रहे हो फैंटम हो गया, मैविक प्रो, मैविक एयर, सब माइक्रो कैटेगरी में। अब बेसिकली यहां पर जो लागू हो गया है रूल वो ये है कि आप नैनो ड्रोन को छोड़ के कोई भी ड्रोन उड़ाते हैं तब आपके पास ड्रोन लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल व्हीकल की तरह कर दिया हिसाब, तब अगर आपके पास ड्रोन लाइसेंस नहीं है तो सीधा सीधा आपको जुर्माना होगा, और वो जुर्माना है द रूल्स स्टेट दैट पेनल्टी ऑफ ₹25,000 विल बी देयर ऑन द पर्सन ऑपरेटिंग द ड्रोन विदाउट रिमोट पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास डीजीआई का कोई ड्रोन है जो कि नैनो कैटेगरी का नहीं है और आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है ड्रोन उड़ाने का, ड्रोन पायलट लाइसेंस नहीं है, देन आपको ₹25,000 देने पड़ेंगे अगर किसी ने आपको पकड़ लिया। तो पहले ये रूल नहीं था, अभी लागू हो चुका है। तो इसका मतलब ड्रोन लाइसेंस के बिना आप कोई ड्रोन नहीं उड़ा पाएंगे। जितने भी सिनेमैटिक ड्रोन है, फैंटम जो वेडिंग्स में उड़ते हैं, सब भाइयों को ड्रोन लाइसेंस लेना पड़ेगा उसको ढंग से उड़ाने के लिए। नंबर दो, आप जो आपने जिस तरह से ड्रोन ले रखे हैं वो रजिस्टर हो नहीं पाएंगे क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर आपके पास है नहीं। तो सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि इन जो रूल्स रेगुलेशन लागू हो गए हैं इसकी वजह से काफी मुश्किल हो जाएगा आप डीजीआई के ड्रोन्स को उड़ाना पब्लिक प्लेसेस पे भी और कहीं भी। तो ये आपका हो गया। बाकी अभी जैसे पहले तय हुआ था कि ड्रोन्स में डिलीवरी की जाएगी खाने की या मेडिसिन की, वो अभी क्रॉस लग गया उस पर, वो अलाउड नहीं किया है गवर्नमेंट ने।
बाकी इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए, आपके पास ये सब फॉलो करते हुए अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तब लीगली आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। बाकी एनपी एनटीपी हर जगह लागू है, आपको वो ऐप अब आने वाली है, आ जाएगी जैसे आप ये रूल्स फाइनल निकाल दिए। तो लेट्स सी कि ये कितनी जल्दी आपके पास ऐप आती है जिसे आप परमिशन ले पाते हैं। और डीजीआई सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है हमारी रेगुलेशंस के हिसाब से या नहीं। तो ये थी अपडेट, क्या क्या जुर्माने हैं और क्या क्या फाइनल हो गया है रेगुलेशंस को लेके। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट बॉक्स इज देयर, जस्ट राइट इट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मेक ए अनदर वीडियो। थैंक यू। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, सब कुछ आप होप समझ आ गया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और फैला दें वीडियो, पूरा वायरल कर दें। थैंक यू।